नमस्कार, सुधांशु 88 को स्वागत। आज एक भिन्न धरण प्रसंग रखिचु गुजब, जो गुजब पाई अनेक किछि घटना घटी जाए आउ किछि लोक मध्य किछि बुझंतिनी, जो गुजब पाई अनेक परिवार मध्य भांगी जाइछि, अनेक बड़ बड़ कांड मध्य घटीछि। सोशल मीडिया रे वर्तमान पाई गुजब रो जो भाव रे ट्रेंडिंग चलीछि, जो ट्रेंड रे अनेक लोक भयभीत होती प्रभाव पकाते आप देखुए, जितेबले जेकोसी घटना घटे 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 जो कथार कि सत्यता न थाए सोशल मीडिया हाउ कि पूर्वर थोड़ा तुंड बाइद सहसकोश भाई जदि गोटाए मिछ कथ किए कहीदिंती सांगे सांगे ता बहुत जोर क्षिप्र बेगर माड़ जाए, जार बेग मापापी आज पर्यंत से जंत्र बाहर कहीं हुए। ये गुजब जेतेबेले कहा प्रति कार राग थाए कि कौन देश प्रति कार राग भी थाए, यही क्षेत्र बेस या व्यवहार करा जाए, किंतु वर्तमान पर सोशल मीडिया जुगरे जेतेबेले गोटाए गोटाए गुजब को जड़े किए फेसबुक रे पोस्ट कर दौर से गुजब टी सांगे सांगे मिलियन मिलियन दर्शक पाक पहुँच जानेक लोक सेयार करूज बहुत किसी आसूरी अनेक लोक बंची था सोशल मीडिया मृत्युवरण कर दर्शा जा गुजब को फैला जाए। अनेक लोक या गुजब करी पूर्वर मध्य अनेक लोक गिरफ होती, प्रधानमंत्री मोदी नाम में पखापाखी आज सुधा 56 टी बड़ बड़ केस गुजब करी आज पर्यंत 77 जन गिरफ होती। कहीं गुजब टी कर लोक जापारे मुझे गुजब करुच्ची परवर्त समय धरा पड़ी कि ना, कि वर्तमान समाज में वर्तमान समय आपण जो मोबाइल व्यवहार करूँ कि कौन डेस्कटप व्यवहार करूँ कि लैपटप आपण जो आईपी आड्रेस या पोस्ट करपाई परवर्त समय भयंकर हो पाए, जितेबाला देशर प्रधानमंत्री हूँ मुख्यमंत्री हूँ कि कौन जड़े साधारण लोक भी हूँ जहाँ विरुद्ध आप गुजब करुजब को लेकिन अनेक लोक विभिन्न अश्लील कमेंट दिखती, कहीं लोक किसी बुझापी प्रस्तुत हमें ना मिछ कथा को आम मैंने अधिक स्पीड्रे ग्रहण करती, सत कथा को समस्ते पछे जाती। वर्तमान पर जब आम चाहिए जन लोक को बदनाम करने मीडिया जो ना दुईपद लिखिद लोक मन इच्छा गाड़ी देवे, किंतु तार वास्तव कथ कि बुझे कि से मीडिया टंका नहीं कि न्यूज करी किंबा से लोक फेसबुक रे टंका नहीं का विरुद्ध लिखुची, यही गुजब को अनेक लोक विश्वास करती। जदि आम कह आज सका सका जाजपुर केशपुरापाल एक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो खबर को मुझे ठीक से जानी आपड़ कहीपे कमी दुर्घटनाग्रस्त होती बेले आम देख लु फेसबुक समस्ते लिखले केन्दूर आड़ लेखा आईला भद्रक आड़ लेखा आसी बालेश्वर लेखा बालेश्वर किसी भी नहीं छोट लेखा पलै आसला जाजपुर लोक तो बेस भयंकर लिखले कहीं भयंकर आवाज है तादर अधिकांश लिखिदेले भूमिकम्प होगा भूमिकम्प होगा बेले कौटी एत जोर आवाज हुए ता बड़ बड़ विचित्र कथ भूमिकम्प आज पर्यंत जो अति तीव्र बेगर नेपाल हो गुजरात हो सूरत हो कि जो जापान हो केते भूमिकम्पर कौन आवाज एत जोर न थाए, किंतु लोक मैंने कहले जाजपुर में भूमिकम्प होगा कहीं सब गुजब को लेकिन आम मैंने भयभीत हूँ। जदि यही गुजबर मात्रा बढ़ी जाए लोक मैंने भयभीत हो कि छात बुड़ पड़ती, यहीं आम क्या दायी करवा कहीं बर्तमान सोशल मीडिया जुगे समस्त हाथ में मोबाइल अच्छी जी जहाँ पढ़ुंट आम समस्ते लिखि पकाउं आई लेखाटी अनेक मात्रा रे विवाद हो जाए। जदि आज आम जड़े एसी कास्ट लोक को टिके भाषा संयत लक लिखिद से एक केस हो जाए, कहीं गुजबर मात्रा एत स्पीड्रे व्यापुची आनेक युवपीढ़ी जो मैंने केवल मोबाइल व्यवहार करती कि निजर कि हिताहत ज्ञान नाई जो मैंने जहाँ पारती ताखती जहाँकि परवर्त समय बुमेरांग जाए आ जेल को जवाक पड़े, यही गुजब करनेक पर स्वामी स्त्री को अलवा कर मिथ्या केस को गुजब कर, जदि कौन का भाई को भौणी नहीं कलेज जाठी गुजब लिखा जा प्रेमिका को लेकिन तार बॉयफ्रेंड जाकू से पर जाणी नथिले सुधा ये गुजब को देखिकी शुणिकी बारंबार से पर मतांतर मनांतर सृष्टि होनेक पर गुजब पर आज भांगिकी फैमिली कोर्ट में लक्ष लक्ष केस पड़ू, कहीं स्वामी आगे स्त्रीर गुजब स्त्रीर आगे स्वामीर गुजब करनेक पर गुजब कर भांगी, यही भाव आम देखीचु जितेबाला चाइनारु अनेक सामग्री आसापाई भारत सरकार आज पर्यंत के बंद करने ससाह जोटे पारिना, कि सोशल मीडिया आम लिखिदे कौन ना आम चाइना बाण
ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଆମେ ଚାଇନାରୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣିବା ନାହିଁ ଆମେ ଚାଇନାରୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଜବକୁ କିଛି ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ପଢ଼ିଲେ ସେୟାର କଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ ଚାଇନା ମୋବାଇଲ୍ ନଦେବ ଆଜି ଭାରତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ୍ର ଦାମ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିବେ କାହିଁକିନା ଚାଇନା କୋରିଆ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ 5-10,000 ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦାମୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଜବ ହୁଏ ଆମେ ଚାଇନା ଫୋନ୍ ଧରିବା ନାହିଁ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ ଜାଳିବା ନାହିଁ ଏମିତିକି ଚାଇନାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ ଭାରତରେ ସିଲେଇ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଏ ଗୁଜବଟିକୁ ଆମେ କରନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାହା କେବେ ହୁଏ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇକି ଗାଈ ମାତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିଦେବା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିକି ଆଉ ଗୋମାତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାନି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୁଜବର କଥା ଅପୋଜିଟ୍ କଥା ପୁରା ଅଲଗା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ଅଧିକ ଗାଈ ଆଉ ମଇଁଷି ହତ୍ୟା ହୋଇକି ତାଙ୍କ ମାଂସ 53 ଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଗାଈର ହାଡ଼ରୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ତିଆରି ହୋଇକି ବୋମା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଫସ୍ଫରସ୍ କିନ୍ତୁ ଗୁଜବ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନେଇବା ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ରହିଲି ନମସ୍କାର।